भागलपुर में है और देवूशर इंग्लिश एज वेल एज भागलपुर इंग्लिश। प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले आपको आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। परीक्षा का दौर चल रहा है और आपको वो ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ध्यान देने वाली बात है कि परीक्षा का मजा लेना है, परीक्षा में कोई तनाव या टेंशन में नहीं लेना है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ब्रॉड है। सबसे पहले हर परीक्षा के पहले आप अपने अपने गॉड का नाम लें, माता पिता को याद करें, चरण स्पर्श करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं कि आपने जो पढ़े हैं वो आपकी परीक्षा में तय है कि उसको बेहतरीन लिख के आएंगे आप। बिल्कुल आत्मविश्वास आपको बढ़ाना है। और एक टिप्स मैंने आपको पहले भी बताया था परीक्षा के दौरान, और मैं परीक्षा के दौरान का एक टिप्स आपको और बता रहा हूं। परीक्षा देने अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले खुश मिजाज होके जाइए, क्योंकि जो कुछ आप पढ़े हैं आपके माता पिता के आशीर्वाद से, आपके गुरु के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से, सारा चीज आपके ब्रेन में एडजस्ट है। और परीक्षा के सारे प्रश्न अच्छी तरह पढ़ें। पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, उसी प्रश्न को अगर दूसरी बार पढ़ेंगे मुस्कुराते हुए तो वो प्रश्न आपको पता चलेगा कि मैं पहले से जानता हूं। बी हैप्पी, टेक योर एग्जामिनेशन जस्ट लाइक अ ब्यूटिफुल गेम। और गेम ही तो है, इतने दिनों के तैयारी के बाद अगर हम आते हैं फाइनल में और अपने एग्जामिनेशन के लिए हम अग्रसर होते हैं तो तय है ये सबसे मजेदार लम्हा और खुशनुमा लम्हा होता है। तो आपका पहला काम है कि हर परीक्षा के पहले पढ़े गए सारे चीज को बिल्कुल अस्थिर दिमाग से एक बार दोहराना है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार दोहराना है, सारे चुनिंदा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी एक बार दोहराना है, और बिल्कुल अस्थिर दिमाग से और शांतिपूर्वक बैठ के। इंसान का ब्रेन, और आप जिस उम्र में चाह रहे हो इस उम्र में ब्रेन बहुत ब्रॉड होता है, जरूरत सिर्फ है इसको अस्थिर और शांत और खुश मिजाज करने का। सारे क्वेश्चंस मुस्कुराते हुए एक बार पढ़िए और सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न एक बार मुस्कुराते हुए पढ़िए। रात में सुबह में फ्रेश होइए, माता पिता गुरुदेव और ईश्वर को याद कीजिए और मुस्कुराते हुए अगर परीक्षा भवन में आप घुसते हैं तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपके बेहतरीन जाते हैं। कुछ भी हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी, समय देखते हुए। समय आपके पास ज्यादा होता है, एनफ होता है बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए। समय देखते हुए हैंडराइटिंग अच्छा बनाते हुए, हमने टिप्स आपको एग्जामिनेशन के दिए थे उस टिप्स के अनुसार आप अपने हैंडराइटिंग को सीधा करते हुए लिखते चले जाइए और बेस्ट ऑफ लक, आपके रिजल्ट बेहतरीन नहीं लाजवाब होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बी हैप्पी and by the grace of God you will get grand success। अभी प्यारे छात्र छात्राओं, अभी हमने आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। हाँ, उसमें से कुछ प्रश्न आपको पिछले बार में भेज दिए गए थे 40 तक का, अभी 20 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं कल के एग्जाम के लिए। कल हिंदी का एग्जाम है, कल इंग्लिश है, कल इंग्लिश है कि हिंदी है? आर्ट्स का इंग्लिश है और साइंस का, आर्ट्स का हिंदी है, साइंस का इंग्लिश है। कल आपके एग्जाम बेहतरीन जाएंगे। आप ध्यान देंगे कि हर एक पोएम में जो हर एक पोएम के बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान लगाएंगे, और हर एक उसके बाद हर एक प्रोज के बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर ध्यान लगाएंगे। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर के बाद 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तक पहुंचे, उस पर आप एक बार शांत दिमाग से आप उसको पढ़ लेंगे। प्रोज और पोएट्री से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी अभी हाल फिलहाल में हमने आपको 10 से 12 क्वेश्चन भेजे, शायद 9 या 10 भेजे, राइट? उसको भी आप ध्यान में रखेंगे।
फिर सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने हैं उसको एक बार स्थिर दिमाग से पढ़ लेंगे, फिर ग्रामर वाले जितने क्वेश्चंस मैंने 3 शिफ्ट में भेजे उसको आप पढ़ लेंगे शांत दिमाग से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसलिए ध्यान में यह रखना है कि आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे, खुश मिजाज होना है, बी कॉन्फिडेंट, क्वेश्चन एक नहीं छूटेंगे, सारे के सारे प्रश्न के उत्तर दे के आप आएंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, मैं भी प्रेयर करता हूं भगवान से कि आपको खुश मिजाज रखे और आपकी परीक्षा शानदार जाए। बिल्कुल नहीं डरना, जो कुछ हमने पढ़े हैं वही हम लिख के आएंगे और सारा लिख के आएंगे, दैट्स एनफ। इंग्लिश का भी उसी तरह रिविजन करना है, हिंदी के भी उसी तरह रिविजन करना है, और लास्ट में भी हमने आपके कुछ क्वेश्चंस भेजे और उम्मीद है कि हम 5 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रात में भेजेंगे इंग्लिश के। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हिंदी के दे रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, राइट? हाँ, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस आपके भेजे गए थे शायद, हाँ उसको भी एक बार गौर फरमा के आपको देखना है। और बाकी क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो आप पहले से जानते हो, क्लास में उतना डिस्कस हो चुका होता है, उतने इतने दिनों में आप उतने पढ़ चुके होते हो कि आराम से हम परीक्षा दे सकें, एक भी प्रश्न मिस ना करें। सबसे पहला है कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए और मन से खुश रहिए कि हम सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। अभी आपके पास वक्त 4 घंटा 5 घंटा बचा हुआ है, आराम से बैठिए और एक एक चीज को खुश मिजाज होते हुए पढ़िए, टेंशन लेते हुए नहीं पढ़ने का, खुश मिजाज होते हुए जो चीज पढ़े जाते हैं वो बेशक आपके दिमाग तक अस्थिर रहते हैं। तो लीजिए आपके 10 से 20 क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर हैं हिंदी सब्जेक्ट के, इंग्लिश के आपके प्रश्न 10 से 20 आज भेज दिए जाएंगे। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, 40 तक सॉल्व किया गया था, 41 में आइए। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था भाई? तो आपको याद रखना पड़ेगा हर्षुदयाल, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है नंबर 42। 42वें प्रश्न में जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था भाई? तो आपको याद रखना है प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। ये 2 प्रश्न में से दोनों नहीं आएंगे, एक आएंगे, उम्मीद इस बार परीक्षा का यही कहता है। जयप्रकाश जी के पिताजी का नाम हर्षुदयाल, जयप्रकाश जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर किस अस्पताल में गुजरे? तो आपको अस्पताल का नाम याद रखना है, हाँ, बिलिंगडन नर्सिंग होम, ये आपको याद रखना है। या ऐसे ऐसे प्रश्न हमको याद रखने पड़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, मतलब किस पुस्तक से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं विनय पत्रिका से। किससे लिए गए हैं? विनय पत्रिका से। इसमें लिखा गया विनय के पद, ठीक है, उसी को विनय पत्रिका है, कृति का नाम है विनय पत्रिका। तो ये आपका 44 क्वेश्चन हुआ और हमारे ख्याल से ये क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम में आने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, 44 के बाद आइए 45 पर साहब। प्यारे छात्र छात्राओं, 45 में आपका प्रश्न कुछ इस तरह, 45 प्रश्न पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। 45 पर प्रश्न कुछ इस तरह है, मानस रामचरित मानस का रच की रचना समय क्या है? रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? आपको याद रखना है रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में हुई थी, 1631 में हुई थी, आपको याद रखना है। 46 पे आइए, अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? कभी कभी दो चार चैप्टर के नाम में विधा पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको याद रखना है कि अर्धनारीश्वर विधा कहने का मतलब हुआ कि वह कविता है, नाटक है, उपन्यास है या फिर निबंध है। आपको याद रखना है अर्धनारीश्वर एक निबंध, क्लियर। गांधारी थी, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ? ऑब्वियसली सब जानते हैं गांधारी दुर्योधन की माँ थी। आंसर कंप्लीट, तो ये सब जान रहे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है?
संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है, आपको यह जानना है। संस्कृति के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, आपको याद रखना है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हमें लगा जो आपको आज मिला, और इंग्लिश के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। 7 से 10 ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको रात में आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, वहां भेजेंगे। वो है पीपी, दैट इज कॉल्ड पीपी। मैंने आपको बताया था कि आखिरी समय में भी पीपी आते हैं और पीपी आएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन 48 के बाद 49 पर हम देख लें। 49 में आपके प्रश्न है, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पे शीर्षक पढ़ाए आपके क्लास में, छप्पे शीर्षक के रचयिता हो गए आपके नाभादास जी, आपको याद रखना है छप्पे। 50 प्रश्न में है, चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला को क्या कहते हैं? भक्तमाल। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा जान सकता है, भक्त चरित्र की माला भक्तमाल है। 50 क्वेश्चंस आपके सामने है। ये क्वेश्चंस उम्मीद है कि इसको भी मैं आपको भेज दूंगा। हाँ ओके, अगले प्रश्न चलते हैं 51 पर। 51 में आपके प्रश्न आ जाते हैं, रोज किस प्रकार की कहानी है? ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न सिलेक्टेड है। रोज किस प्रकार की कहानी है? तो रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, साइकोलॉजिकल स्टोरी इसको इंग्लिश में कहते हैं। रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। 52 प्रश्न में है, रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑब्वियसली आपने रोज कहानी पढ़े होंगे, रोज कहानी की नायिका मालती है, इसमें कोई शक नहीं। रोज कहानी की नायिका कौन है ये देखना है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, रोज कहानी की नायिका एक ही साथ रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम था शाहू जी, ये भी आपको याद रखना है। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम शाहू जी था। उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए रुद्र प्रताप, भानु प्रताप, यज्ञ सेन ये सब दिए जाएंगे। हाँ, ये सब दिए जाएंगे। आइए 54 पर चलते हैं, और 54 पर आपका क्वेश्चन 54 हो गया। 55 पर चलते हैं, 55 से आपके प्रश्न है, भूषण ने किस रग रस को प्राथमिकता दी, प्रमुखता दी? तो भूषण हमेशा वीर रस की कविता लिखते हैं, वीरता वाली कविता। भूषण की कविताएं हमेशा वीरता वाली कविता होती है। भूषण के पद, भूषण के छंद वीर से, वीरता से भरे होते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह जी हैं, आपको इसको भी देख लेना है और दिमाग में ये बात रखना है। एक लेख एक पत्र भगत सिंह, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चलिए, ये सब प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न है। हाँ, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी, जानने वाली बात है। मतवाला पत्रिका, पत्रिका का नाम है मतवाला, वो कलकत्ता से निकलती थी, जिसको अभी के टाइम में कोलकाता कहते। 58 पे आइए, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ये दोनों कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे, ये भी याद रखना है। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिता थे। 59 हो गया। 60 पे आइए, प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? आपको याद रखना है कि प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, राइट। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? लास्ट में ई आया तो ई प्रत्यय है, यस। तो ये हिंदी के प्रश्न हो गए, चूंकि हिंदी के एग्जाम कल हिंदी के आर्ट्स वाले एग्जाम है, साइंस के इंग्लिश के एग्जाम है। साइंस वाले में लास्ट टाइम में हमने आपको जो जो चीज भेजे हैं उस पर आपको फोकस करना है, बेहतरीन फोकस करना है। सारे सेलेक्टेड चीज लास्ट टाइम में भेजे, आप अपने ग्रुप में चेक करेंगे, लास्ट टाइम में सारे के सारे सेलेक्टेड चीज है और वो सब पे फोकस करना है। लास्ट टाइम में मैंने आपको, हाँ, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ भी भेजे और
प्राइस राइज भी भेजे। हाँ, और एक और चांस आने का है आपका कंप्यूटर, ऑनलाइन क्लासेस, कंप्यूटर, ये सब क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा चांसेस वही हैं जो हमने बोले वो आएंगे। हाँ, बाकी और भी चीज पढ़ लेना चाहिए, बाई चांस दूसरे भी आए, लेकिन उम्मीद है कि लास्ट टाइम में जितने सेलेक्टेड प्रश्न भेजे उस पर ज्यादा फोकस करना है। ओके, अगला प्रश्न आपका, आइए भाई, प्रसाद जी वाराणसी में पैदा हुए, सावधानी बे ई प्रत्यय, गणेश का पर्यायवाची आप पहले से जानते हो भैया, गणेश का पर्यायवाची गणपति है, छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा गणपति बप्पा मौर्या, हाँ छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे। रसना किसका पर्यायवाची है, रसना जीव को बोला गया है, रसना जीव को बोलते हैं, हाँ तो ये आपका आंसर हुआ। कमल का पर्यायवाची कौन है, बेशक सरोज है, कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन हुआ, सरोज, भानु रश्मिया पुष्पधम्वा नहीं हो सकता। सूर्य का पर्यायवाची कौन है, चांद सूर्य पिंड आकाश दीप दिनेश, आपको जानना है दिनेश सूर्य का पर्यायवाची। राइट ना, दैट इज शो। इस तरह से ये सारे प्रश्न आपके हाँ परीक्षा में आएंगे, और कभी भी दिमाग में ये नहीं रखिएगा कि परीक्षा में बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं, परीक्षा में बिल्कुल बीच वाले प्रश्न आते हैं, कभी कभी तो बहुत इजी रहते हैं और कभी कभी बीच वाले आते हैं, और हमने आपको 100 लेवल तक ले गया, परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे 90 लेवल तक, बेशक आपके अच्छे अच्छा एग्जाम जाएंगे, बेहतरीन एग्जाम जाएंगे। हाँ, और इस साल तो और भी शानदार, और दो विषय के परीक्षा हो चुका, दो की तीन का हुआ राइट ना, तो तीनों के क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार थे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, और बाकी के भी प्रश्न मजेदार रहेंगे। अगला देखते हैं, शुक्ल का विपरीतार्थक क्या होता है, शुक्ल का विपरीतार्थक भैया मेरे कृष्ण होता है, शुक्ल का विपरीतार्थक क्या होता है, कृष्ण, हमने पढ़े हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, रोजमर्रा की बातों में आते हैं शुक्ल पक्ष भैया मेरे कृष्ण पक्ष, तो इतना तो है। तीव्र का विलोम क्या होता है, तीव्र मतलब तेजी, मंद मतलब धीरे धीरे, ये सब तो जाने मारे, हमने बोला था विपरीतार्थक शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों, जो क्लास 7 से हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रश्न वही पूछे जाएंगे, लेकिन जरूरत थोड़ा सा रिवीजन का पड़ता है, आप थोड़ा रिवीजन करो, परीक्षा में मुस्कुराते हुए घुसो, अस्थिरता पूर्वक प्रश्नों को, हर प्रश्नों को कम से कम 2 बार पढ़ो, आपको लगेगा हम सब जान रहे हैं, और जानते भी हैं। हैव कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की जरूरत है, चेहरे पर मुस्कान की जरूरत है, वेरी नाइस। तो ये रहे आपके, और लास्ट में आपका आता है कुछ और प्रश्न, हाँ तो देखते हैं भाई कौन से प्रश्न है। प्रलय का विपरीतार्थक क्या होता है, प्रलय मतलब प्रलय हो जाना, विनाश हो जाना, और सृष्टि का मतलब होता है निर्वाण करना, एक तरफ सृष्टि होता है, निर्वाण होता है, तो दूसरे तरफ प्रलय होता है। हाँ, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब छुप छुप कर किया जाने वाला काम, प्रत्यक्ष परोक्ष आपको याद रखना होगा, और उम्मीद है ये प्रत्यक्ष वाले क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर पर आ चुके हैं, उम्मीद है, घमंड नहीं है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आएंगे, इसलिए स्टार मार दिया हमने। 70 में देखिए, वह सायंकालीन बेरा, शाम का वह समय जब पशु वन से वापस लौटते हैं, जब पशु जंगलों में जाके खेतों में जाके चर के वापस आते हैं, उसके लिए कौन सा शब्द है, गोधूली, अपराहन, सूर्यास्त या सायवेला, जब पशु आए तो उसको हम लोग गोधूली बेरा कहते हैं। हाँ, गांव में, गांव के स्टूडेंट इसको अच्छी तरह जानते हैं, गोधूली बेरा, आप गाय बैल सब चर के उधर से वापिस आएंगे। ओह माय गॉड, ये सारे के सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं, बेशक सेलेक्टेड प्रश्न हैं। आइए देखते हैं, आप
वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है? छावनी। ये प्रश्न पिछले बार भी हमने आपको क्लियर किए थे, ये प्रश्न पिछले बार भी आपको क्लियर किए थे। हाँ, कौन सा भाई प्रश्न ये आपका क्लियर किया गया था? ऑब्वियसली आपका ये प्रश्न क्लियर कर दिया गया था। एक बार और, हाँ, वह स्थान जेना जहां सेना रहती है कहलाता है छावनी। वह छावनी कहलाता है सेना के रहने का जगह। और लास्ट में दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? धाय। ये आपको याद रखना है। तो 72 क्वेश्चन तक, इसके पहले के क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तक आपके सामने है। ये हिंदी के एग्जाम, इंग्लिश के एग्जाम है, उसके लिए हम आपको थोड़ा गाइड कर रहे हैं। इंग्लिश के एग्जाम में हर एक चैप्टर के बाद कहीं 7, कहीं 8, कहीं 12 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दिए गए। हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को एक बार स्थिर दिमाग से पढ़ लेना है। प्रोज में भी सारे चैप्टर के बाद उसके 10-10 ऑब्जेक्टिव दिए गए, उसको भी पढ़ जाना है। उससे बाहर बुक से प्रश्न नहीं आएंगे। एक और बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसके भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 12-13 पहले भेजे गए थे, 9-10 अभी हाल फिलहाल में आपके ग्रुप में भेजे गए हैं। बस उस दोनों को पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं आएंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपके 7 प्रश्न आपको लिखाए गए हैं, सिर्फ 7 क्वेश्चंस, उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसको एक बार आप अस्थिर दिमाग से अर्थ समझते हुए पढ़ जाना है। और उसी 7 में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 3 पूछेंगे, आपके 2 के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में प्राय, या क्वेश्चन नंबर कभी कभी आता है ए ऑफ क्वेश्चन नंबर, मान के चलिए अगर क्वेश्चन नंबर आपको दे दिया 6 इंग्लिश की बात करें तो, इंग्लिश की बात करें तो एक बार हम एक बात आपको समझा देना चाहता हूं। इंग्लिश के प्रश्नों के लिए, इंग्लिश के प्रश्नों में आपको दिए जाते हैं एक ही नंबर में, हाँ एक ही नंबर में, जैसे 6 नंबर में दे दिया गया, हाँ ए में कुछ करने को बोला समरी लिखने को, बी में कुछ मिलान करने को बोला, सी में कुछ और करने को बोला, डी में कुछ और करने को बोला, ई में कुछ और करने को बोला, एफ में कुछ और करने को बोला। तो इसमें कुछ भी रहे, इसमें बोलेगा किसी 4 के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें कोई 4 या कोई 3 का बोलेगा किसी 3 का प्रश्न दीजिए, कोई 3 दे सकते हैं। अगर समरी लिखने के, हाँ ऑप्शन में दे दिया वो कि मिलान कीजिए, समरी लिखने के ऑप्शन में दे दिया कि पोएम का मिलान कीजिए, आप पोएम और पोएट का, तो आपको जो भी क्वेश्चन देख के सबसे इजी लगेगा, इस 6 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी 3 का आंसर आपको देना है। नंबर देते हुए ए देना है ठीक है, सी डी देना है ठीक है, एफ देना है ठीक है, कोई 3 आपको आंसर देना है। बच्चे वहां कंफ्यूज रहते हैं, समरी के भी ऑप्शन में आपके रहते हैं कुछ, इसलिए इंग्लिश के बारे में जो जो छात्र हैं वो उनको टेंशन नहीं लेना है, केवल अस्थिर दिमाग से प्रश्नों को पढ़ना है। अब प्रश्नों को पढ़ने के बाद इंस्ट्रक्शन आपके वहां टीचर भी समझा सकते हैं, नहीं जही समझ में आया, और नहीं समझने का सवाल क्या, मैं तो समझा रहा हूं। इंस्ट्रक्शन पढ़िए कि उनमें से किसके किसके जवाब देने हैं और आप दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में हमने जितने जितने भेजे हैं, हमको लगता है लास्ट में करीब 100 के लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन आपको भेजे हैं, उनको पढ़ लेना है। अभी हाल फिलहाल में एसेस 3 भेजे हैं, एक अपने हाथ से लिख के हमने लेटर्स भी भेजे हैं मेरे हैंडराइटिंग में, उसको एक बार अर्थ समझते हुए पढ़ लेना है। आपके एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहे हैं। 7 से 10 प्रश्न 4 बजे 5 बजे शाम तक हमारे पास आ जाएंगे। पटना से पीपी जिसको बोलते हैं, पटना से हमारे मित्रों के वहां इंस्टीट्यूट है, वहां डिस्कस होता है और हम लोग भी ऑनलाइन डिस्कस करते हैं।
कि कौन से प्रश्न इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, उसी को हम पीपी कहते हैं, पटना फोर, राइट ना। तो हम उस अंतिम समय में, पिछले लास्ट महीने में जितने भी प्रश्न आपके ग्रुप में गए, वो सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। खुशमिजाज होते हुए सबको पढ़िए, एक बार सबको रिवाइज कर लीजिए। ग्रामर में जितने चीजें हैं, सारे ग्रामर, ग्रामर के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने भेजे, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ, वॉइस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा वॉइस आ जाते हैं। हाँ, और फिर हम आपको आज 10 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भेजने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव का भी कोई बात हुआ तो उसको भी मैं अपने हाथ से लिख के भेज दूंगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाइए, चेहरे पर मुस्कान लाइए कि हम जो पढ़ेंगे अब के अब याद रहेंगे और आपको याद रहेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ पेरेंट्स, माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, बी हैप्पी।